हेलो एवरीवन, आज हम लोग न्यू यूनिट शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ यूनिट 5, जिसमें हम लोग और भी जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स उनको देखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, दैट इज़ एनर्जी फ्रॉम टाइड, या फिर टाइडल एनर्जी हम जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम समझे कि व्हाट इज़ टाइड, ठीक है, तो टाइड जनरली जो अकर होता है, ठीक है, ये सी लेवल में जो भी सी में जो भी वाटर का लेवल होता है, उसका राइज एंड फॉल होना, ठीक है, पीरियडिकली, दिस इज़ नोन एज टाइड। तो ये आपको ओशन सी में मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर रहता है। एंड इस वाटर सरफेस में के लेवल में जब राइज एंड फॉल प्रोसेस होता है, ठीक है, पीरियडिकली, दिस इज़ नोन एज टाइड। एंड ये जो बेसिकली टाइड है, ठीक है, फिनोमेना है, ये जो बेसिकली मून एंड सन के वजह से ये प्रोसेस, ये फिनोमेना अकर होता है, ठीक है। तो हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो टाइडल एनर्जी है, टाइड है, ठीक है, हमने टाइड को देखा कि टाइड पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर होता है, ठीक है, जो कि सी एंड ओशन के वाटर लेवल की बात की जा रही है। एंड ये जो एक्शन है, ये जो फिनोमिना है, ठीक है, ये सन एंड मून के वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि जो भी अर्थ सरफेस पे जो भी वाटर है, ठीक है, इनका ग्रेविटेशनल, इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, सन एंड मून अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इन पे अर्थ सरफेस पे जो भी वाटर है, ठीक है, तो इनका, इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। एंड इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, ठीक है, अट्रैक्शन या रिपल्सन की वजह से यहाँ पर जो वाटर लेवल है सी का या ओशन का, इस पे इनका, ठीक है, इनमें वेरिएशन आता है। एंड इन्हीं वेरिएशंस को हम टाइड्स के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे लिए एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होगा, क्योंकि जब तक हमारे अर्थ पे लाइफ है, ठीक है, तो जो सी का वाटर है, ओशन का वाटर लेवल है, उनको कम्प्लीटली ख़त्म करना ये इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से जब तक अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, जब तक सी में, ओशन में वाटर प्रेजेंट है, तो तब तक ये जो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, टाइड से हम एनर्जी को रिकवर कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इसका काफ़ी बेनिफिट्स है, ठीक है, हमें किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होता है, ठीक है। तो एंड ऑल्सो यहाँ पर जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है, ठीक है, टाइड के फॉर्म में, तो इस एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इसका अगर हम एक जनरल हम सेटअप देखें, अगर हम प्लांट सेटअप करते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का प्लांट हम, ठीक है, हम ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, जहाँ पर बेसिकली देखें तो हमारे पास मेन, अगर हम एक प्लांट की बात करें, ठीक है, टाइडल पावर जनरेशन प्लांट की, तो हमारे पास जो मेन यहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, दिस इज़ डैम, या फिर इसे हम बैरेज कहते हैं, ठीक है। तो डैम या बैरेज, ये पहला कंपोनेंट होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो कंपोनेंट हम इसको यूटिलाइज करते हैं, दैट इज़ सी वाटर, तो सी होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, दिस इज़ एक रिजर्वॉयर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, दैट इज़ नोन एज बेसिन, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा कंपोनेंट हम बेसिन यूज़ करेंगे। एंड ये जो हमारे पास डैम होगा, या फिर जिसे हम प्लांट कह रहे हैं, तो इसी डैम के अंदर, ठीक है, में जो भी टर्बाइन जनरेटर होगा, ठीक है, और बाकी के जो भी एसेंशियल कंपोनेंट्स होंगे, जो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे, तो उन सारा का जो इन्वॉल्वमेंट होता है इस डैम के अंदर, ठीक है, या फिर जो बैरियर यहाँ पर बनाया गया है उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनका हम प्रिंसिपल देखेंगे, तो हमारे पास ठीक है, तो ये हमने कंपोनेंट्स देखा कि हमारे पास एक पावर हाउस होता है, ठीक है, जहाँ पर आप जनरेटर को एंड बाकी के जो भी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स हो गए, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हो गए, टर्बाइन हो गए, तो ये सारा इक्विपमेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। डैम एंड बैरेज हो गया, जो कि एक एक्चुअली में एक वॉल होता है, एक बैरियर होता है, ठीक है, जो कि सी एंड बेसिन को अलग करता है, ठीक है?
ठीक है। तो जैसे हमने फिगर में देखा था कि हमारे पास ये डैम था, ठीक है, एंड अगर एक साइड में सी है, दूसरे साइड में बेसिन फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो बेसिन एंड सी को सेपरेट करने वाला जो यहाँ पर बैरियर है, दैट इज़ डैम या बैरेज हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक स्लूस वे होता है, जिससे कि सी से बेसिन में या फिर बेसिन से सी में जो वाटर का मूवमेंट है वो हो सके, ठीक है। तो ये एक्चुअली में स्लूस वेज जो होता है, या इसको हम गेट या लॉक्स के टर्म में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से ये बनाया गया है, ठीक है, बैरियर बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है, तो इस साइड में अगर सी है, ये बेसिन है, ठीक है। तो इन्हीं डैम के जो बैरियर होता है डैम, इस पर एक, ठीक है, इस तरीके का स्लूस वे होता है, ठीक है, जो कि गेट के फॉर्म में, गेट लॉक के फॉर्म में हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके का कंप्लीट सेटअप होता है टाइडल एनर्जी या टाइडल पावर प्लांट्स में, ठीक है, जिसमें जब जो सी का वाटर है वो बेसिन की तरफ मूव करता है, एंड किसी टाइम पे बेसिन से सी की तरफ ये वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो वाटर का मूवमेंट होने के लिए ये जो आपको यहाँ पर स्लूस वेज दिख रहा है, ठीक है, गेट दिख रहा है, तो इनके इन गेटवेज से, इन स्लूस वेज से वाटर का यहाँ पर मूवमेंट सी टू बेसिन या बेसिन टू सी होता रहता है, ठीक है। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इन सारे कॉम्पोनेंट्स का। तो अगर हम इनका ऑपरेशन देखें, ठीक है, वर्किंग ऑपरेशन देखें कि किस तरीके से ये जो टाइडल है, टाइड है, ठीक है, इन टाइड्स के में जो भी काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, तो उस काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में या प्रोडक्शन में यूटिलाइज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास है, अगर हम मेथड्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ टाइडल एनर्जी देखें, तो हम दो तरीके से हमारे पास जो पावर प्लांट होगा, ठीक है, टाइडल एनर्जी पावर प्लांट, तो ये हम दो तरीके का डिज़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ सिंगल बेसिन अरेंजमेंट एंड सेकंड वन इज़ डबल बेसिन अरेंजमेंट। तो ये बेसिन एक्चुअली में एक रिजर्वायर होता है, जिससे कि जिसमें कि सी लेवल का जब वाटर जो है, ठीक है, सी का जो लेवल है वो जब बहुत हाई हो जाता है, तो स्लूस वे के हेल्प से इन वाटर का लेवल जो है वो, ठीक है, उसको डिक्रीज करने के लिए बेसिन में रिजर्वायर जो बनाया गया है बेसिन, ठीक है, तो इसमें इन वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिन हो गया। तो सिंगल बेसिन अरेंजमेंट में जो बेसिन होता है, एक ही बेसिन होता है, जो कि डैम एंड सॉरी सी एंड, ठीक है, इस डैम से जो इंटरकनेक्टेड होता है सी के बीच में, ठीक है, तो सी का जो भी वाटर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बेसिन में जाकर रिजर्व होगा। एंड डबल बेसिन अरेंजमेंट में ऑब्वियसली दो बेसिन होगा, एंड ये जो बेसिन का अरेंजमेंट होता है, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से होता है, ठीक है, तो बेसिन वन इधर है, तो बेसिन टू जस्ट उसके नीचे में इस तरीके का अरेंजमेंट किया रहता है इन डबल बेसिन अरेंजमेंट। तो हम प्रोसेस देखें, ऑपरेशन देखें सिंगल बेसिन अरेंजमेंट का, ठीक है, तो एक ही बेसिन होता है यहाँ पर। तो ये आपका सी एरिया है, ठीक है, जहाँ पर आपको जहाँ पर वाटर होगा, ठीक है, इन बीच में कहीं पर डैम बनाया जाएगा, जहाँ पर कि टरबाइन को यहाँ पर प्लेस किया जाएगा, एंड इसके राइट साइड में आपको यहाँ पर बेसिन का पार्ट दिखेगा, ठीक है। तो ये एक सिंगल बेसिन होगा। तो सिंगल बेसिन अरेंजमेंट में भी हम जब आगे मूव करते हैं, तो इसमें हम इसको तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल एप साइकिल सिस्टम, सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम एंड डबल साइकिल सिस्टम, ठीक है। तो ये एक सिंगल बेसिन में हम तीन तरीके से, ठीक है, एनर्जी जनरेशन कर सकते हैं बाय दिस थ्री मेथड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ सिंगल एप साइकिल सिस्टम। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम कुछ टर्म्स को हम यहाँ पर समझेंगे जो इनसे रिलेटेड होगा। तो हमारे पास आता है फ्लड टाइड, ठीक है। तो फ्लड टाइड क्या है एक्चुअली में, फ्लड टाइड जब सी का जब वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, दैट मीन्स कि जब आपका फुल मून डे होता है या फिर नो मून वाला डे होता है, तो उस टाइम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो जो भी सरफेस वाटर रह होता है सी या ओशन का, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, एंड ये इस टाइम पे सी टू लैंड की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो लैंड की तरफ हमने अभी फ़िलहाल इस प्लांट में बेसिन बनाया हुआ है या रिजर्वायर हमने प्लेस किया हुआ है, तो
जब फ्लड टाइड का ड्यूरेशन होगा, ठीक है, दैट मीन्स कि जो वाटर का मूवमेंट होगा, ठीक है, ये सी टू लैंड की तरफ या सी टू बेसिन की तरफ होगा। सो ये जो टाइम होता है जिस टाइम पे सी का लेवल या जो सी का वाटर लेवल का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, तो हाई टाइड टाइम हम बोल सकते हैं। तो ये जो हाई टाइड का टाइम होता है दैट इज़ नोन एज फ्लड टाइड। दूसरा टर्म हम देखेंगे दैट इज़, यहाँ पर आपको एब वर्ड यूज़ किया गया है, तो एब टाइड आता है, ठीक है। तो एब टाइड में क्या होता है कि जो सी का वाटर लेवल होता है या ओशन का वाटर लेवल, वो काफ़ी नीचे चला जाता है, ठीक है। तो जब नीचे जाता है दैट मीन्स कि एक टाइम आता है जब बेसिन टू, ठीक है, बेसिन से सी की तरफ वाटर का मूवमेंट या लैंड से सी की तरफ वापस ये वाटर का डायरेक्शन होता है। तो इस केस में जो टाइड होता है, ठीक है, इस केस में जो वाटर का मूवमेंट होता है उसको हम लोग एब टाइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइड है, हाई टाइड है, ठीक है, हाई टाइड जिसे हम फ्लड टाइड कहते हैं, जिसका मूवमेंट सी टू बेसिन की तरफ या सी टू लैंड की तरफ होगा, एंड एब टाइड, ठीक है, जो कि इसका वापस जाने का जो रास्ता होगा दैट मीन्स ये लैंड टू सी या फिर बेसिन टू सी की तरफ मूव करेगा। तो सिंगल एब साइकिल सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास जो प्लांट होता है, ठीक है, तो इस तरीके का प्लांट सेटअप होता है। यहाँ पर आपको स्लूसेस दिया हुआ है, ठीक है, जिससे वाटर का मूवमेंट होगा, गेट ये जब ओपन या लॉक किया जा सकता है, ठीक है, ये सी पार्ट है और ये आपका बेसिन पार्ट है, एंड बीच में आपका ये डैम है, ठीक है। एंड ये जो डैम है, इसी डैम में आपका गेटवेज होगा एंड टर्बाइन भी प्लेस्ड होगा, ठीक है। तो ये आपका जो सिंगल एब साइकिल सिस्टम है, तो इस केस में किस तरीके से पावर जनरेशन होता है, तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल एब साइकिल है, दैट मीन्स कि जो पावर जनरेशन होगा वो एबिंग टाइम में ही होगा, ठीक है। एंड एब टाइड क्या था, जब ये बेसिन से सी की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा तो उस केस में पावर जनरेशन होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ जब आपका जो लो टाइड का टाइम पीरियड होगा बस उसी टाइम पे पावर जनरेशन होगा, दैट्स व्हाई दिस इज़ नोन एज सिंगल एब साइकिल सिस्टम, ठीक है। तो जैसे ही सी का लेवल जो है, ठीक है, तो ये सी एंड बेसिन के बीच में ये डैम बनाया गया है, यहाँ पर स्लूस वे होता है, ठीक है। तो जब सी का लेवल जो है, सी का वाटर लेवल हाई हो जाता है तो वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम सी टू बेसिन की तरफ, ठीक है। एंड इन केस जब बेसिन का वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वाटर का मूवमेंट होता है बेसिन टू सी, ठीक है, एंड इसी को हम लोग फ्लड टाइड या फिर एब टाइड कहते हैं। तो जैसे ही फ्लड टाइड का टाइम आएगा, ठीक है, दैट मीन्स कि सी का जो वाटर लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, तो वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम सी टू बेसिन की तरफ, ठीक है। तो इसके लिए इस टाइम पे क्या किया जाता है, स्लूस वे को ओपन कर दिया जाता है, तो इस स्लूस वे से या इस गेटवे से वाटर का मूवमेंट हो जाता है फ्रॉम सी टू बेसिन, ठीक है। एंड इस टाइम पे जो टर्बाइन होता है इसको ऑफ रखा जाता है, ठीक है, टर्बाइन वाला जो वे रहेगा ये शट डाउन रहेगा, ऑफ रहेगा। तो इस टाइम पे जो वाटर का मूवमेंट होगा ये स्लूस वे से ही होगा, सिर्फ फ्रॉम सी टू बेसिन की तरफ, ठीक है। तो ये फ्लड टाइड के बाद एब टाइड का साइकिल आएगा, ठीक है, हाफ साइकिल। तो एब टाइड का जब टाइम आएगा दैट मीन्स कि बेसिन से सी की तरफ मूवमेंट होना होगा, ठीक है, दैट मीन्स कि बेसिन में वाटर का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, तो अब जो टाइम आया है एब टाइड का, ठीक है, तो बेसिन से सी की तरफ वाटर का मूवमेंट होना है। तो इस टाइम पे क्या होगा कि स्लूस वे को क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है, एंड ये जो टर्बाइन वे होगा तो ये टर्बाइन वे को ओपन कर दिया जाता है, एंड इस टाइम पे जब वाटर का मूवमेंट होगा, ठीक है, फ्रॉम बेसिन टू सी, तो ये टर्बाइन से होकर गुजरेगा, एंड टर्बाइन पे जब फोर्स लगेगा, ठीक है, वाटर मूवमेंट का, तो ये टर्बाइन रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो टर्बाइन जैसे रोटेट करेगा, टर्बाइन के शाफ्ट से जनरेटर कनेक्टेड होगा, एंड जनरेटर अपने वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑपरेशन ऑफ सिंगल एब साइकिल सिस्टम, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास मेथड है दैट इज़ सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम, ठीक है। तो सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम दैट मीन्स कि अब जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा वो फ्लड टाइड के टाइम पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सी होगा, ठीक है,
तो जैसे ही सी का जो वाटर लेवल होगा, ये दैट मीन्स कि जब फ्लड टाइड का टाइम आएगा, तो फ्लड टाइड टाइड के टाइम पे ही एनर्जी जनरेशन होगा, ठीक है। तो इस टाइम पे वाटर का जो मूवमेंट होगा फ्रॉम सी टू रिजर्वायर या फिर बेसिन की तरफ होगा। तो इस टाइम पे जो वाटर का मूवमेंट के लिए जो यहाँ पर वे प्रोवाइड किया जाएगा वो टर्बाइन से होता हुआ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी स्लूस वे रहेगा इसको क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड इस टाइम पे जब वाटर का लेवल इंक्रीज़ होगा, सी का वाटर लेवल या हाई टाइड या फ्लड टाइड का टाइम आएगा, तो सी से जब वाटर को बेसिन में जाना होगा, ठीक है, तो ये जो आपका सेकेंड पाथ था, ठीक है, टर्बाइन वाला पाथ, तो ये टर्बाइन से होकर ये वाटर को, ठीक है, वाटर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा फ्रॉम सी टू बेसिन। तो जैसे ही वाटर का मूवमेंट होगा, ठीक है, ये टरबाइन के ओवर जब फ्लो करके जाएगा, ठीक है, बेसिन में, तब ये टरबाइन को रोटेट करेगा एंड इस तरीके से जनरेटर रोटेट करेगा एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो इस केस में इनिशियली जो होगा, ठीक है, जब सी टू बेसिन मूवमेंट होगा, तो इस टाइम पे स्लूस वे क्लोज होगा एंड जो टरबाइन वाला वे होगा वो ओपन रहेगा, ठीक है। एंड जब नेक्स्ट साइकिल में जब बेसिन टू सी जब मूवमेंट होना होगा, दैट मीन्स कि एब साइकिल में, तो इस टाइम पे जो टर्बाइन का वे होगा इसको क्लोज कर दिया जाएगा एंड जो स्लूस वे होगा उसको ओपन कर दिया जाएगा। तो ये सिर्फ स्लूस वे से वाटर का यहाँ पर, ठीक है, वाटर ये बैकवर्ड सी में चला जाएगा एंड इस टाइम पे जो जनरेटर है या टर्बाइन है वो रोटेट नहीं करेगा। तो फ्लड टाइम में या फिर हाई टाइड के टाइम पे यहाँ पर एनर्जी जनरेशन, सॉरी, एब टाइम पे एनर्जी जनरेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हाई टाइड के टाइम होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ नोन एज सिंगल हाई टाइड साइकिल सिस्टम। एंड थर्ड जो सिंगल बेसिन सिस्टम में था, दैट इज़ डबल साइकिल सिस्टम। तो इस डबल साइकिल सिस्टम में एब साइकिल में भी एनर्जी जनरेशन होगा एंड टाइड साइकिल में भी एनर्जी जनरेशन होगा, ठीक है। तो इसमें हमें दोनों तरीके से काम करना है, ठीक है। जब आपका हाई टाइड का टाइम आएगा तो हाई टाइड के लिए जो, ठीक है, जो ये रहेगा आपका टरबाइन का जो वे होगा, ठीक है, तो हाई टाइड के टाइम में टरबाइन वे से वाटर का जो मूवमेंट होगा फ्रॉम सी टू बेसिन की तरफ होगा, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम एंड आफ्टर हाफ साइकिल, ठीक है, हाफ साइकिल के बाद जब बेसिन से, ठीक है, सी की तरफ आना होगा, दैट मीन्स कि एब टाइड का जब टाइम आएगा, तो इस टाइम भी जो टर्बाइन वाला वे होगा, ठीक है, टर्बाइन वे, इसको ओपन रखा जाएगा। तो उसी टाइम पे जब एब टाइम आएगा, एब टाइड आएगा, तो वाटर का जो मूवमेंट होगा फ्रॉम बेसिन टू सी वो भी सिर्फ और सिर्फ जो टर्बाइन वे होगा सिर्फ वहीं से होगा। तो इस केस में यहाँ पर दोनों केस में, ठीक है, एब टाइड एज वेल एज फ्लड टाइड दोनों के टाइम पे ही एनर्जी जनरेशन हो रहा है। दोनों ही टाइम पे ये टर्बाइन वे से वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम सी टू बेसिन और बेसिन टू सी। तो इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ही बेसिन है, तो ये सिंगल बेसिन ऑपरेशन में हम इस तीन तरीके से, ठीक है, पहला हमारे पास सिर्फ फ्लड टाइड में हम एनर्जी जनरेट कर रहे थे, दूसरा हम एब टाइड में कर रहे थे एंड तीसरा हम एब एज वेल एज हाई टाइड दोनों के टाइम में एनर्जी जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। एंड दूसरा हमारे पास आता है सिंगल बेसिन के बाद, दैट इज डबल बेसिन सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका सिंगल बेसिन का डबल साइकिल सिस्टम है, ठीक है। इस टाइम पे ये सी टू बेसिन गया फ्रॉम दिस वे एंड, ठीक है, लो टाइड के टाइम या एब टाइड के टाइम ये अगेन जनरेटर या टर्बाइन वे से ये फ्रॉम बेसिन टू सी आ गया। एंड दूसरा जो मेन कैटेगरी था हमारे पास डबल बेसिन अरेंजमेंट, ठीक है, यहाँ पर एक बेसिन नहीं होगा, ठीक है, प्रीवियस केस की तरह, बल्कि यहाँ पर दो बेसिन होगा एंड दोनों बेसिन का जो अरेंजमेंट होगा एक के ऊपर एक इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। एंड इन दोनों बेसिन के बीच में, बीच का जो मीडिएटर होता है यहाँ पर, ये टर्बाइन होता है, ठीक है। तो दो स्लूज गेट होगा यहाँ पर, ठीक है, एक अपर बेसिन के लिए एंड एक दूसरा, ठीक है, लोअर बेसिन के लिए, अपर बेसिन बी के लिए होगा, ठीक है। ये आपका सी वाला पार्ट होगा एंड ये आपका बेसिन वाला पार्ट है। तो यहाँ पर हम अगर इसका ऑपरेशन देखें, ठीक है, तो ये भी जिस तरीके से हमने प्रीवियसली देखा, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी हाई टाइड है, लो टाइड या फिर फ्लड टाइड या एब टाइड का साइकिल आएगा,
ठीक है। तो जब हाई टाइड का टाइम आएगा या फिर जैसे हम फ्लड टाइड कह रहे हैं, तो फ्लड टाइड के टाइम पे क्या होगा कि जो सी का वाटर है, ठीक है, तो इस गेट को ओपन कर दिया जाएगा, इस गेट को ओपन कर दिया जाएगा, तो वाटर का जो मूवमेंट होगा वो फ्रॉम इस वे से फ्रॉम सी टू अपर बेसिन ए में जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही अपर बेसिन आपका कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो टर्बाइन वे है, इस टर्बाइन वे को या इस गेट वे को ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है, ये ओपन कर दिया गया। तो इस केस में अब जो अपर बेसिन ए में जो आपका वाटर था वो अब इस पाथ से, टर्बाइन पाथ से होता हुआ ये बेसिन, लोअर बेसिन बी में आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जब वाटर का मूवमेंट हो रहा होगा फ्रॉम बेसिन ए टू बेसिन बी, ठीक है, तो ये टर्बाइन वे को फॉलो कर रहा है, तो ये टर्बाइन पे जब फोर्स लगेगा तो टर्बाइन रोटेट करेगा एंड इस केस में भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ठीक है। एंड इसके बाद जैसे ही ये जो बेसिन बी है ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा वाटर से, तो ये जो स्लूज गेट है इसको ओपन कर दिया जाएगा, ये वाटर यहाँ से फ्रॉम बेसिन टू सी ये मूव कर जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि जब ये बेसिन टू सी मूव कर रहा होगा, ये आपका लो टाइड का या फिर एब टाइड का साइकिल होगा, ठीक है। तो ये साइकिल आपका रिपीट करता जाता है यहाँ पर। इस केस में कंटिन्यूस जो पावर जनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, वो होता है, ठीक है, अनलाइक द प्रीवियस केस। तो जब हम लोग सिंगल बेसिन यूज़ किए थे तो वहाँ पर हम एक ही साइकिल में एक बार में हम, ठीक है, इंटरमिटेंट फॉर्म में हम पावर जनरेट कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कंटिन्यूस इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता रहेगा, ठीक है। पहले सी टू अपर बेसिन जाएगा, अपर बेसिन टू लोअर बेसिन जाएगा, ठीक है, एंड लो टाइड के टाइम पे ये यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा एंड कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेशन होता है इन केस ऑफ डबल बेसिन ऑपरेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइडल पावर प्लांट, ठीक है, इंट्रोडक्शन, कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है। इनका टाइप हमने सिंगल बेसिन एंड डबल बेसिन के बेसिस पे हम इनका ऑपरेशन देखे, एंड सिंगल बेसिन के बेसिस पे हमारे पास तीन ऑपरेशन मेथड था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनका आपको कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो टाइड्स में जो कि बेसिकली सन एंड मून के वजह से, ठीक है, ये टाइड अकर होता है ओशन या फिर सी लेवल पे जो वाटर है, ठीक है, उनके सरफेस पे, वाटर सरफेस पे, तो इन टाइड एनर्जी में क्या है, काइनेटिक एनर्जी होता है, तो इन्हीं काइनेटिक एनर्जी का यूज़ हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करते हैं। एंड ऑल्सो दिस इज़ टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।